हमारा पड़ोसी देश है चाइना, और चाइना के समुद्री तट से 100 मील की दूरी पर स्थित एक छोटा सा देश है ताइवान। ताइवान का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहीं पर चाइना का ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि दोनों ही देश खुद को चाइना मानता है। और चाइनीज गवर्नमेंट हर साल ताइवान पे हजारों वॉरप्लेन्स भेजती है ये जताने के लिए कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है, लेकिन ताइवान कहता है कि हम तो स्वतंत्र देश है। तो कौन है असली चाइना, चलिए समझते हैं। तो बात है 1911 की, जब पहली बार क्विंग डायनेस्टी को हटाकर सुन यात्सेन के नेतृत्व में रिपब्लिकन्स पार्टी सत्ता में आई। 1911 से 1925 तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन इसी टाइम पर इसी एरिया में एक जियोपॉलिटिकल चेंजेस हुआ। 1922 में सोवियत रूस अपना कम्युनिस्ट विचारधाराओं के साथ सामने आया। 1925 में सुन यात्सेन के मृत्यु के बाद ये विचारधारा चाइना में पनपा और रिपब्लिकन्स के ही कुछ लोग कम्युनिज्म में चले गए और रिपब्लिकन्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। समय के साथ साथ माओ ज़ेडुंग के नेतृत्व में और लोग कम्युनिस्टों के साथ जुड़ते गए और 1930 में कम्युनिस्टों ने रिपब्लिकन्स के ऊपर अटैक किए और लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों की जाने गई। सालों से चल रहे इस गृह युद्ध में चाइना बहुत कमजोर हो चुका था और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर 1937 में जापान चाइना के ऊपर अटैक करा और कुछ टेरिटोरी को कैप्चर कर लिया। तब नेशनल्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी एकजुट होकर जापान के खिलाफ लड़े और जापान के ऊपर 1945 में यूएसए ने न्यूक्लियर अटैक कर दिए। हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिरने के बाद जापान तो हट गया, लेकिन ये दोनों पार्टी फिर से सिविल वॉर में घुस गए। और मेनलैंड चाइना में माओ ज़ेडुंग अपने कंट्री डिक्लेयर किए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब दोनों ही देश खुद को चाइना मानता है। वैसे आपका क्या राय है कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसे विश्व तथा भारतीय इतिहास से जुड़े रहने के लिए प्रियो भारत को जरूर सब्सक्राइब करें।